हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आमतौर पर मई जून के महीने में आईटीआर फॉर्म्स रिलीज करने वाली सीबीडीटी ने इस बार काफी फुर्ती दिखाते हुए 1 अप्रैल को ही आईटीआर फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 के आईटीआर फॉर्म्स आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है incometax.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। फॉर्मेट रिलीज कर दिया गया है। बजट के हिसाब से सभी आईटीआर फॉर्म्स में काफी सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं। इसके बाद भी आईटीआर फॉर्म्स 1 अप्रैल को रिलीज कर दिए गए हैं। अभी सिर्फ फॉर्मेट रिलीज हुआ है, अभी फाइलिंग अवेलेबल नहीं है। जल्दी ही फाइलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आईटीआर फॉर्म्स काफी जल्दी रिलीज कर दिए गए हैं, इसलिए इस बार काफी कम चांसेस हैं कि डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ड्यू डेट्स क्या होंगी आपकी आईटीआर फाइलिंग के लिए। अगर आपने ड्यू डेट तक आईटीआर को फाइल नहीं किया तो फिर आप उसे कब तक फाइल कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस बार आपको सिर्फ 2 महीने का समय दिया जा रहा है आईटीआर फाइलिंग के लिए। जल्दी से अपना डाटा कलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होती है आईटीआर फॉर्म्स को लाइव कर दिया जाता है, अपने आईटीआर को फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस बार आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होंगी, और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 2 महीने का समय मिलेगा अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 की। सबसे पहले इंडिविजुअल्स या HUF की बात करते हैं। सैलरीड पर्सन्स, पेंशनर्स, प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेसमैन जो कि ऑडिट में कवर नहीं होते हैं, अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखाना चाहते हैं या सिर्फ आपकी इंटरेस्ट और डिविडेंड से इनकम हो रही है, ये सारे ही लोग जिन पर की ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है उनके लिए लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022। इसके बाद है वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म और LLP हुज ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB। अगर आप किसी फर्म या LLP में वर्किंग पार्टनर हैं और आपको ऑडिट कंपल्सरी है तो आपके लिए लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर 2022। जिन भी केसेस में ऑडिट एप्लीकेबल है उन सभी लोगों के लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, और जिन केसेस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उन सभी लोगों के लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। इसी तरह से नॉन वर्किंग पार्टनर, अगर आप किसी फर्म या LLP में पार्टनर हैं लेकिन आप नॉन वर्किंग हैं, तब भी आपके केस में लास्ट डेट है 31 जुलाई। जो भी फर्म्स, कंपनीज या LLPs ऑडिट में कवर होती हैं उनके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की डेट होगी उसके 1 महीने पहले यानी कि 30 सितंबर। जो भी ऑडिट केसेस की ऑडिट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको फर्निश करनी है 30 सितंबर तक, और उसके रिगार्डिंग जो ITR जाएगी वो जाएगी 31 अक्टूबर तक। इसके बाद बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय फर्म्स। फर्म्स LLP, AOP, BOI, AGP, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सभी लोग जो कि ऑडिट में कवर होते हैं इनके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, और इसके रिगार्डिंग जो उन्हें ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी है वो 1 महीने पहले तक फर्निश करनी होगी, मतलब कि 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट होगी। इसी तरह से ये सारे SSEs, फर्म LLP, AOP, BOI, AGP, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर ये ऑडिट में कवर नहीं होते हैं तो इनकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। इसके बाद बात करते हैं कंपनीज की जिनके लिए ITR 6 एप्लीकेबल है। सभी कंपनीज के लिए लास्ट डेट होगी 31 अक्टूबर, और इसके रिगार्डिंग जो वो ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करेंगे उसकी लास्ट डेट होगी 30 सितंबर। तो यहाँ पर हमने ड्यू डेट्स के बारे में देख लिया कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, पेंशनर हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। जो लोग ऑडिट में कवर होते हैं जैसे कि फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई जिनका टर्नओवर काफी ज्यादा है और वो ऑडिट में कवर हो जाती हैं, उन लोगों के लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपने ITR फाइलिंग मिस कर दी, मान लेते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं या फिर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं, ITR 4 आप फाइल करते हैं और आपने लास्ट डेट को मिस कर दिया, 31 जुलाई तक आप फाइल नहीं कर पाए, तो फिर आप कब तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं? 31 जुलाई की डेट अगर आपने क्रॉस कर दी तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपने ITR पहले फाइल की है और उसमें कुछ गलत फाइल कर दिया तो आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने की डेट होगी 31 दिसंबर 2022। और अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की, बिलेटेड मतलब कि आपने पहले फाइल नहीं की है, 31 जुलाई से पहले फाइल नहीं की, आप मिस कर गए अपनी ITR फाइल करना और आप फ्रेश ITR फाइल कर रहे हैं तो उसे बिलेटेड ITR बोला जाता है, और उस केस में भी बिलेटेड ITR भी अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2022। ITR को रिवाइज करने पर आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। अगर आपने कुछ मिस कर दिया, कुछ छूट गया आपसे, तो आप अपनी ITR को कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं और उसमें कोई भी आपको लेट फीस नहीं लगती है। इसके लिए
लास्ट डेट है 31 दिसंबर, आप 31 दिसंबर तक अपनी ITR कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि मिस्टेक्स कम करिए और एक दो बार से ज़्यादा बार अपनी ITR को रिवाइज मत करिए। जब आप बहुत ज़्यादा बार जल्दी जल्दी अपनी ITR रिवाइज करते हैं तो वो स्टक हो जाती है और फिर रिफंड आने में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगर बिलेटेड ITR की, अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल नहीं की और वो बिलेटेड हो गई, उसके बाद आप फाइल करते हैं, तो बिलेटेड ITR पर आपको लेट फीस लगती है। लेट फीस है यहाँ पर 1,000 रुपये, अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपये से ऊपर की है लेकिन 5,00,000 के अंदर आती है तो आपको 1,000 रुपये की यहाँ पर लेट फीस लगती है। अगर 2,50,000 रुपये से नीचे की इनकम है तो कोई भी लेट फीस नहीं है, आप आराम से अपने ITR फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। इसके बाद अगर आपकी टोटल इनकम 5,00,000 के ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर 5,000 रुपये की लेट फीस लगती है। 5,000 यहाँ पर मैक्सिमम पेनल्टी है, आपकी इनकम 5,00,000 से कितना भी ऊपर जाए इससे ज्यादा की लेट फीस आपको नहीं लगेगी। 5,00,000 के ऊपर जाएगी तो आपको 5,000 की लेट फीस लगेगी और 2,50,000 और 5,00,000 के बीच में आती है तो 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी, 2,50,000 के नीचे कोई भी लेट फीस नहीं है। तो यहाँ पर हमने दोनों ही केसेस देख लिए कि रिवाइज रिटर्न आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है ओरिजिनल रिटर्न में, और बिलेटेड रिटर्न भी आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस। चलिए अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि 2 महीने का समय आपको कैसे मिलेगा अपनी ITR फाइल करने के लिए। CBDT ने भले ही फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं और जल्दी वो लाइव फाइलिंग भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो आपके फोर्थ क्वार्टर के TDS हैं वो अभी तक आपके 26AS में अपडेट नहीं हुए हैं। फोर्थ क्वार्टर की जो TDS रिटर्न होती है, जो भी बैंक्स या कंपनीज फाइल करती हैं अपनी TDS रिटर्न्स फोर्थ क्वार्टर की, उसकी लास्ट डेट है 31 मई 2022। तो 31 मई तक ही सारी कंपनीज या बैंक्स अपनी TDS रिटर्न फाइल करेंगे और उसके बाद ही अगर आपका कहीं से कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कहीं से भी TDS डिडक्ट होता है, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो बैंक का इंटरेस्ट हो, चाहे आपका प्रोफेशनल सर्विसेज पे कोई TDS डिडक्ट हो रहा हो, अगर आपका कहीं से भी कोई TDS डिडक्ट होता है तो वो आपके 26AS फॉर्म में 31 मई के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। और हमारी लास्ट डेट क्या है ITR फाइलिंग की इंडिविजुअल्स और HUF के केस में 31 जुलाई। तो आपको जून और जुलाई सिर्फ 2 महीने का समय मिलेगा अपनी ITR फाइलिंग के लिए। 31 मई से पहले अगर आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो 26AS में TDS अपडेट नहीं हुआ होगा और आपके ITR में और 26AS में मिसमैच हो जाएगा और आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। इसलिए 31 मई से पहले या फिर जब तक आपका 26AS फोर्थ क्वार्टर की TDS अपडेट नहीं कर देता है तब तक अपने ITR को बिल्कुल भी फाइल मत करिएगा। अभी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, सारी कैलकुलेशंस करके रख लीजिए कि कितना आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनेगा, लेकिन ITR फाइलिंग आप 31 मई के बाद ही स्टार्ट करिएगा जिससे कि आपका TDS अपडेट हो जाए। इस बार ITR फॉर्म्स काफी जल्दी रिलीज कर दिए गए हैं, इससे बहुत ही कम चांसेस हैं कि ITR की डेट्स को एक्सटेंड किया जाएगा, इसलिए डेट एक्सटेंशन की उम्मीद किए बिना अपने ITR फाइलिंग आप 31 जुलाई तक कम्प्लीट कर लीजिएगा। इंडिविजुअल्स और HUF के बाद बात करते हैं उन फर्म्स और कंपनीज की जो कि ऑडिट में कवर होती हैं। इन सभी लोगों के लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, यानी कि इन्हें सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 महीने का समय मिलेगा अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए या फिर अपनी बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए। ओरिजिनल ITR में अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, सिर्फ 2 महीने का समय है रिवाइज करने के लिए। और अगर आपने फाइल नहीं की है, आपकी रिटर्न लेट हो जाती है, तो आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं, वो भी आप 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस, और उसमें भी आपको सिर्फ 2 महीने का ही समय मिलेगा बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए। लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 में ITR फाइलिंग की लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया गया था, लेकिन इस बार काफ़ी कम चांसेस हैं कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि ITR फॉर्म्स काफ़ी जल्दी रिलीज कर दिए गए हैं। पिछली बार पोर्टल भी नया था और काफ़ी स्लो वर्किंग कर रहा था इसलिए डेट को एक्सटेंड किया गया था, पर इस बार पोर्टल काफ़ी अच्छा चल रहा है इसलिए डेट एक्सटेंशन के काफ़ी कम चांसेस हैं। अपनी ITR का डेटा कलेक्शन शुरू कर दीजिए और ITR फाइल कर लीजिए। 31 मई का वेट आपको उसी केस में करना है जबकि आपका कहीं से TDS डिडक्ट होता है, अगर TDS का कोई चक्कर नहीं है तो आप 31 मई के पहले भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं, जैसे ही फॉर्म्स लाइव हो जाएंगे आप अपनी ITR फाइलिंग स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।